तो आपको मैनुअली चेक करने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग प्रॉपरली चेक कर पाएंगे कि हाँ आखिर क्या प्रॉब्लम है। यॉर्क के चिलर में लो सक्शन प्रेशर का अलार्म, ट्रेन के चिलर में लो सक्शन टेम्परेचर का अलार्म, और भी बहुत सारे चिलर हैं, जैसे कैरियर का 30XA चिलर है उसमें भी लो सक्शन टेम्परेचर या लो सक्शन प्रेशर या पैकेज एसी में लो सक्शन प्रेशर से ट्रिप होता है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हम लोगों को जाननी चाहिए कि आखिर लो सक्शन टेम्परेचर या लो सक्शन प्रेशर का जो भी अलार्म आता है या कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है उसके पीछे की वजह क्या है, उसका क्या कारण है। तो हम लोग अगर ये समझ लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा फॉल्ट फाइंडिंग करना, मतलब ट्रबल शूटिंग करना, मतलब हम लोगों को ये मालूम रहेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा और HVAC या कोई भी सिस्टम होगा उसमें आप लोगों को ये ट्रिक काम आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आप लोगों को बताता चलूं कि ये वीडियो हमारे जो टेक्नीशियन भाई काम करते हैं उनके लिए भी काम आने वाली है, जो काम सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनके लिए भी काम आने वाली है, या फिर जो इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं उनके लिए भी ये काम आने वाली है। और कुछ भाइयों ने इंटरव्यू के वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो भी मैं जल्द बनाऊंगा, दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को शुरू करता हूं बताना कि ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रेन का चिलर है, ट्रेन का एयर कूल्ड चिलर है। इसके अंदर अगर मान लीजिए कि लो सक्शन प्रेशर का अलार्म आ रहा है या लो सक्शन टेम्परेचर का अलार्म आ रहा है, और जो दूसरा RTAA मॉडल है उसमें सक्शन में सेंसर भी लगा होता है, किसी में ट्रांसड्यूसर भी लगा होता है, और जो हमारा कैरियर 30X है उसमें भी सेंसर लगा हुआ होता है, और बहुत सारों में ट्रांसड्यूसर, और यॉर्क का चिलर जो है उसमें भी अक्सर लो सक्शन प्रेशर का अलार्म आता है या लो सक्शन टेम्परेचर का। तो सबका जो कारण होता है ना वो सेम होता है। कई लोग ये समझते हैं कि इसके अंदर जी गैस कम है, मान लेता हूं मैं गैस कम होता है तो लो सक्शन टेम्परेचर या लो सक्शन प्रेशर भी आता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब एवोपरेटर या स्प्लिट एसी हो, कोई भी एयर कंडीशनर सिस्टम है, तो उसके अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक लो साइड होता है एक हाई साइड होता है। तो जैसे कोई स्प्लिट एसी है, अगर उसके अंदर आइस आ जाता है इनडोर में, मतलब एवोपरेटर में कूलिंग कॉइल में जब आइस आता है तो क्या होगा, उसका गैस का प्रेशर लो होगा। क्यों गैस का प्रेशर लो होगा, क्योंकि कभी भी गैस जो होती है वो ठंडी जगह में भागती है, तो ठंडी जगह में जो भागेगी तो आप कितना भी उसमें गैस डालेंगे तो वो आइस के ऊपर ठंडी जगह में भागेगी और आपका प्रेशर लो बताएगा। चाहे वो पैकेज एसी में भी आप करेंगे तो यही होगा, लो प्रेशर से वो ट्रिप मारेगा LP से। तो अगर किसी का बेल्ट टूटा रहेगा तो भी उस पर आइस आएगा, अगर कॉइल उसका कूलिंग कॉइल ऑपरेटर गंदा है तो भी उस पर आइस आएगा, तो उसकी वजह से प्रेशर लो जाएगा। उसी तरह मैं बात करता हूँ चिलर की, तो अगर चिलर का आप लोग देख रहे हैं ये जो कूलर है, इवोपरेटर भी इसको बोलते हैं, अगर इसका वाल्व जो आप देख रहे हैं चिल्ड वाटर लाइन का, अगर वाल्व बंद होगा या इसका अगर कूलर गंदा होगा, वैसे इतना नहीं होता है, तो भी ये लो सक्शन में ट्रिप मार सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लो सक्शन टेम्परेचर में भी अक्सर आप लोग जानते हैं कि जो गैस का चार्ट होता है, गैस का टेम्परेचर और प्रेशर चार्ट, उसमें आप लोग देखेंगे तो उसमें डिटेल दी हुई होती है कि R22 रेफ्रिजरेंट जो है इसका स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है और सक्शन प्रेशर क्या होता है और उसका टेम्परेचर क्या होता है, कितने प्रेशर पे कितना टेम्परेचर होता है। तो एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि जैसे हम लोग 65 PSI गैस चार्ज कर रहे हैं तो उसमें 4 डिग्री सेल्सियस उसका जो टेम्परेचर है वो शो कर रहा है। तो उसी तरीके से इसमें अगर गैस कम होगा, मान लीजिए ये 134 है, तो इसका जो सेचुरेशन पॉइंट है अगर वहां से टेम्परेचर नीचे जाएगा तो क्या होगा, इसमें लो सक्शन टेम्परेचर आ सकता है। और अगर इवोपरेटर गंदा होगा या उसमें पानी का इसका फ्लो बंद होगा तो उसमें ज्यादा कूलिंग होगी, तो उस टाइम में भी लो सक्शन टेम्परेचर और लो सक्शन प्रेशर भी आ सकता है। तो हम लोगों को ये इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि आखिर ये लो सक्शन प्रेशर और लो सक्शन टेम्परेचर क्या है। तो वजह जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेन गैस कम होना वो है बात, वो अलग है, लो सक्शन टेम्परेचर में गैस कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो आपको मैनुअली चेक करने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग प्रॉपरली चेक कर पाएंगे कि हाँ आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोग ऑटोमेटिक पे जाते हैं, कई बार अलार्म आता है चिलर में, उसको रीसेट कर देते हैं, वो चल जाता है किसी भी चिलर सिस्टम में, चाहे वो यॉर्क चिलर का हो उसका अलार्म रीसेट करते हैं हम लोग, ट्रेन का उसका उसका सब कंपनी का हम लोग अलार्म को रीसेट कर देते हैं, या फिर हम लोग उसका अलार्म देख लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करना ही है, लेकिन हमने साथ में मैनुअली भी चेक करना है कि उसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये अलार्म आ रहा है। अगर वो प्रॉब्लम आप देख लेंगे तो वो आपके लिए अलार्म इजी हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो मैं समझा रहा हूँ बस यही प्रॉब्लम आप लोगों को देखना है, दो
तीन चीजों का ध्यान रखना है, स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, पैकेज एसी है, या आपका चिलर सिस्टम है, कोई भी एचवी सिस्टम है, उसमें क्या है, अगर आपका लो सक्शन प्रेशर का अलार्म दे रहा है, आपको क्या चेक करना है, तो आप लोगों को देखना है सबसे पहले इवापोरेटर, इवापोरेटर गंदा है या नहीं। अगर स्प्लिट एसी है तो फिल्टर उसका ब्लॉक है, उसके अंदर अगर पैकेज एसी है तो उसका बेल्ट टूटा हुआ है, अगर चिलर है तो इसका जो चिल्ड वाटर लाइन का वाल्व है वो क्लोज है या गंदा है, इन सब चीजों का आपको पहले ख्याल करना है और उसके बाद आपने गेज लगाना है। क्योंकि अगर ये सब होगा, अगर कॉइल डट्टी होगा, बेल्ट टूटा हुआ होगा या वाल्व बंद होगा, तो इस तरीके से तो आपको गेज में मिनिमली भी वो कम बताएगा, 20 PSI, 30 PSI, R22 की बात कर रहा हूँ, जितना प्रेशर के अकॉर्डिंग वो बहुत कम बताएगा, 10 PSI। तो आप क्या सोचेंगे गैस नहीं है और गैस उसमें डालते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये वेरीफाई करना है कि कहीं कोई कॉइल में इवापोरेटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसका पूरा आइस, अगर कोई फिल्टर ब्लॉक है या कॉइल ब्लॉकेज है, कुछ भी है, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को आइस मेल्ट करना चाहिए। आइस मेल्ट जब हो जाएगा, जब पूरा हीट हो जाएगा, अगर आपका पैकेज ऐसी है तो उसको आप क्या करेंगे, बिना कंप्रेसर के सिर्फ ब्लोअर चलाइए, पानी से पहले उसको धो डालिए, उसका सारा आइस मेल्ट कर दीजिए, और बिना कंप्रेसर के उसका ब्लोअर चलाइए, उससे क्या होगा, उसका सारा आइस मेल्ट हो जाएगा, फिर आप लोग उसका प्रॉपर गैस का प्रेशर चेक कर सकते हैं। और चिलर में क्या है, इसका जो चिल्ड वाटर लाइन का जो भी वाल्व है उसको आप लोग ओपन कर देंगे तो क्या होगा, वाटर सर्कुलेशन होगा, तो उसके बाद जो भी अगर आइस आया है तो वो मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग प्रॉपर चेक कर सकते हैं इसका प्रेशर। और स्प्लिट एसी में ऐसे ही, अगर आप फिल्टर ब्लॉकेज, अगर वो ब्लॉकेज है, फिल्टर ब्लॉक है, कुछ भी है, आइस है, तो आइस को मेल्ट कर दें, उसके बाद आपको प्रेशर सही मालूम चलेगा। तो सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम है वो प्रेशर का है, लो सक्शन टेम्परेचर में भी कई बार प्रेशर का इशू आता है, कूलिंग ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए कि हमारा 3-4 डिग्री जाएगा तो क्या होगा, कूलर का पानी ज्यादा ठंडा होगा, तो उसकी वजह से भी गैस का जो सक्शन प्रेशर है वो लो होता है। तो इसलिए आप लोगों को इन सब चीजों का ख्याल करके आप लोगों ने मैनुअली चेक करना है। अगर आप लोग इस तरीके से चेक करेंगे तो कभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मैं बताता हूँ, चाहे वो यॉर्क का चिलर हो, चाहे वो ट्रेन का चिलर हो, या फिर कैरियर का चिलर हो, या हिटाची का चिलर हो, कोई सा भी चिलर होगा आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप लोग इस तरीके से काम करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हो सकते हैं उन्हें भी इसकी जरूरत हो। आप लोग चाहें तो अपने चैनल पर मेरे वीडियो को पोस्ट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर करें। तो चलिए जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।